दुर्भय हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार, कार से ही 4.5 लाख रुपए की नकदी जब्त। नई मुंबई के तुर्भी MIDC स्थित एक कबाड़ की दुकान में हुए 13 हत्याकांड के दोनों आरोपी शेबू हनीफ खान तथा शेरू हनीफ खान को 7 दिनों के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और जिला इलाहाबाद के निवासी हैं। दोनों आरोपियों पर तुर्भे MIDC पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 302, 397, 450, 34 सहित भारतीय हथियार कानून की धारा 425 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37A3 35 के तहत मामला दर्ज किया है। घटना के बाद फरार दोनों आरोपियों को नई मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश के सतना से गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड को 13 जुलाई की रात से 13 जुलाई की सुबह के बीच अंजाम दिया गया। यह 13 हत्याकांड तुर्भे MIDC के गोनसरी गांव स्थित प्लॉट क्रमांक D19 में किया गया था। मृतकों में राजेश कुमार, देवनारायण पाल, इरशाद जब्बार खान तथा नौशाद जब्बार खान शामिल थे। इरशाद व नौशाद दोनों सगे भाई हैं। ये तीनों मजदूर हत्या से एक दिन पहले जॉब पर लगे थे। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी पहले इसी कबाड़ की दुकान में नौकरी करते थे और कुछ समय पहले किसी विवाद कारण नौकरी छोड़कर चले गए थे। हत्याकांड के दिन दोनों भाई बोनसरी गांव स्थित उक्त कबाड़ की दुकान में आए और इसी दौरान तीनों मृतकों और दोनों आरोपियों में किसी बात को लेकर बहस हुई। आरोप है कि इनके बाद शेबू खान और शेरू ने तीनों की हत्या कर दी और वहां अलमारी में रखे 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। 12 और 13 तारीख की रात तुर्भे पुलिस स्टेशन के जो एरिया है उसमें गोसरी गांव में जो भंगार का शॉप है उसमें तीन लोगों उस अवस्था में पाए गए थे। इन तीन लोगों के जो शव थे उसके संदर्भ में 152/19/302 का गुना क्विक आर्म्स एक्ट और रॉबरी के 397 के तहत में दाखिल था। इस ऑफिस में ज्वाइंट टीम माननीय CP साहब और सब पुलिस आयुक्त साहब ज्वाइंट CP साहब ने तैयार की थी कि ज्वाइंट टीम ने क्राइम ब्रांच और जोमन की ज्वाइंट टीम ने सतना मध्य प्रदेश से दो आरोपी अरेस्ट किए हैं। दोनों आरोपी सतना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ पिछले 2 ऑफेंस दाखिल हैं। दोनों का मारने का कारण क्या था? यह यहाँ पे इसके पहले 3 महीने पहले यहाँ पे काम करते थे और जो ये सहकारी जो थे इनके जो वृद्ध थे इनके साथ काम करते थे और उनका गाली गलौज और मार झाड़ करते थे उनसे उनका उनके ऊपर ये गुस्सा।